ये था स्माइल, पूरी दुनिया में मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग आप सभी के लिए। हे गोवा, कैसे आप? तुम्हें आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी, द मोस्ट जॉयफुल शो इन द होल वर्ल्ड, एंड यू आर विद मी ईथन मास्करेनस। वेल, आई हैव टू से कि आज मैं थोड़ा उदास था क्योंकि मेरी प्रोड्यूसर जेनी मायामी चली गई फॉर सन्स वेडिंग। अब जेनी को मिस करने में भी एक खुशी छुपी है, और वो ये कि आज इस शो की प्रोड्यूसर है सोफिया। 12 सालों से मेरी नर्स सोफिया। गुड, माइंड यू, आई डोंट कॉल हर सिस्टर,
She's unbelievably beautiful. she tells me we have a last caller for the day. Hello, what's your name? Hi, this is Dick calling. Dick Fernandez? Yeah, that's right, you remember? पिछले साल की बात है उस वक्त पैमला मुझे छोड़ के चली गई थी एंड आई जस्ट डिडंट वांट टू लिव मैन आई कॉल योर शो जस्ट टू डेडिकेट वन मोर सॉन्ग टू पैमला एंड टू तुमने कैसे मुझे कन्विंस किया लाइव ऑन एयर नॉट टू कमिट सुसाइड बट टू गो एंड गेट दैट गर्ल डूड यू आर अ मैजिशियन यू चेंज पीपल्स लाइफ तुमने मेरी जिंदगी बदल दी और पता है आज क्या हुआ पैमला ने मुझे एक छोटी सी पैमला दी है यही कुछ 17 मिनट पहले 7.75 पाउंड की मैन और ये बात सबसे पहले मैं तुम्हें ही बता रहा हूँ। Wow, Jake, congrats, you did it. That's so beautiful. तो मेरा अगला गाना छोटी सी एंजल पैमला और इस जिंदगी के नाम क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है फिर चाहे वो 7.75 पाउंड की हो या 100 ग्राम की थोड़ी सी मीठी है जरा सी मिर्ची है 100 ग्राम जिंदगी संभाल के खर्ची है थोड़ी सी मीठी दोस्तों अब वक्त आ गया है बाय कहने का BYE थ्री सिंपल लेटर्स वन डिफिकल्ट वर्ड तो आप इस हसीन शाम का मजा लीजिए और मैं इंतजार करूंगा अपने दोस्त देवयानी का जो बाय द वे एक घंटा लेट दिस इज इथन मास्करवेनस ओवर एंड आउट स्टूपिड लाइफ इज गुड लाइफ इज वंडरफुल लाइफ इज ग्रेट Getting him some coffee. Oh, please, मेरे लिए भी सिर्फ एक चम्मच चीनी है, thanks. Sure. Sorry, sorry, sorry. Yeah. आने में थोड़ी देर हो गई. एक idiot scooter वाला गाड़ी से टकरा गया. Of course. No, really? ये तुम्हारे लिए. Hi. Oh, that felt good. Stupid. So tell me, what's the urgency? क्यों बुलाया मुझे? मेरी एक छोटी सी गुजारिश है देवयानी. Sure. मुझे कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी है ओके मेरे मरने की पिटीशन ना मैं जानता हूं कि तुम थोड़ी शॉक्ड होते जा रही बट प्लीज लेट्स नॉट मेक एन इश्यू आउट ऑफ दिस एक सिंपल सी सीधी सी गुजारिश है आर यू क्रेजी कहो तो ये ब्लड सर्कुलेशन टेबल उल्टा कर दूं शायद थोड़ी अकल आ जाए तुम कोर्ट से खुद को मारने की इजाजत मांग रहे हो यूथनेशिया इसे यूथनेशिया कहते हैं इच्छा मृत्यु यू मस्ट हैव हर्ड आई डोंट अंडरस्टैंड ईथन यू हैव डन वेल फॉर सो लॉन्ग यू आर अ सर्वाइवर और आज अचानक इतना बड़ा फैसला यू वांट टू डाई एंड एनीवे ईथन यहां पे कोई केस है ही नहीं हिंदुस्तान में यूथनेशिया बिल्कुल जैसा कहा जा रहा है वैसा करो देवयानी तुम्हारी फीस तुम तक पहुंच जाएगी और कुछ Do you need anything else? Some sex would be good. To mere liye ek packet of condoms or one beautiful willing woman, please. What do you say? सॉरी टॉक कि मैं आपको इतनी सुबह डिस्टर्ब कर रही हूँ बट आई हैड टू टॉक टू यू मैं कल शाम को ईथन से मिली और ही वांट्स मी टू फाइल अ पिटीशन फॉर यूथनेशिया
Who's going to Indonesia? Wake up, Doc. Euthanasia, mercy killing. This must be one of his stupid jokes. Jin pe sabse zyada to tum hi hasti ho, Devyani. No, but this is not a joke. This could be serious. All right. Don't get hyper relaxed. Main 11 baje uske ghar ja raha hu dialysis ke liye. Tum bhi wahan aa jana, baat kar lenge. Ab ye meri zimmedari hai. I will handle it. All right. I thought I was your friend. Tumne itna bada faisla le liya bina kisi ko puche. I didn't know I had to take a vote, Doc. Okay. Kya tumhe lagta hai, Doctor? Ke science itni progress karega in my lifetime for me to walk again? No. Kya mere haath chalenge? No. My fingers, my toes? No. Kidneys to gayi? Lungs bacha paoge? Ethan. Yes or no, Doc? No. There it is, Doc. Mera jawab bhi no hai. Tumne kitna kuch hasil kiya, Ethan. You've written a book, you've got a radio program, Radio Zindagi. Hazaron quadriplegics ko jeene ki raah dikhai hai tumne. You fought, Ethan. You fought valiantly. Exactly, Doc. I conquered my life. 14 saal ek quadriplegic ki zindagi shaan se jiya maine. पर अब इस तरह इन मशीनों के सारे मैं नहीं जीना चाहता। I'm your doctor. I've invested 14 years in you, and I'm not going to let you go. How do you plan to stop me, doc? अदालत में गवाही देकर, पैसिंग तुम्हारी दिमागी हालत खराब है, तुम डिप्रेशन की वजह से जीना नहीं चाहते, और दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हारी नहीं सुनेगी। सुनेगी, doc. सुनेगी क्योंकि देवयानी कहेगी यू फाइट फॉर मी देवयानी एंड यू फाइट लाइक अ टाइगर्स क्योंकि अगर तुम ये केस हार गई तो मेरी जिंदगी वैसे भी घूम रखा है Case number 411, Ethan Mascarenhas versus Union of India. Dono parties maujood hain? Yes, Your Honor. Devyani Datta for Ethan Mascarenhas. Yes, Your Honor. Vipin Patel for Union of India. Please proceed. Your Honor, mere client Mr. Ethan Mascarenhas ne court se euthanasia ya ichha mrityu ki petition file ki hai. Ms. Datta, aap jaanti hain hamara kanoon ichha mrityu ki ijazat nahi deta. Aap Article 21 of the Indian Constitution ko challenge kar rahi hain. It's the fundamental right to live. But if a citizen has a fundamental right to live, then he has the right to choose not to live. And I believe, Your Honor, that the time has come to change the law. Ms. Datta, kanun badalna, saadi badalna jitna aasan nahi hota. Your Honor, I'm not saying that whoever euthanasia ki appeal kare, use grant kiya jaye. I'm just saying that every case has to look at its individual merit. Where is the question of merit in this case, Your Honor? Other than promoting suicide, of course. No, Mr. Patel. As a law-abiding citizen, wo court se legally euthanasia ki permission mang rahe. To aapke client ye kehna cha rahe hai ki sari suffering ka solution bas maut hai. Your Honor, if that was the case, mere client ne 14 saal pehle accident ke baad hi ye appeal ki hoti jab wo paralyzed ho gaye the. Par unhone aisa nahi kiya. Ye Mr. Mascarenhas ek taraf apne radio show par listeners ko zindagi jeene ki salah de rahe hain. Dusri taraf apne liye khud maut mang rahe hain. I mean, there's total confusion, complete lack of clarity. On medical and humanitarian grounds, insaniyat ke nate. To Ms. Datta, aap ye keh rahe hain ki aap euthanasia mein yakeen rakhti hain. Ethan Mascarenhas ke case mein, yes. This petition is dismissed. A strange request. Mr. Ethan Mascarenhas files a petition for mercy killing. Organic food is not healthier, says study. I'm sorry, Sophia. मैं तुम्हें बताने वाला था। Sports page. Sophia, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज़ हो, और तुम सही भी हो। And more than anybody else, I think I owed it to you. You don't owe me anything, Mr. Mascarenhas. After all, मैं सिर्फ आपकी caretaker nurse हूँ।
आधे घंटे में आपका सूप और उसके साथ आपके फेवरेट गार्लिक ब्रेड स्टिक्स आ जाएंगे। हर रोज की तरह ठीक है, 1 बजे लंच, 4 बजे अल्का में टेक योर पल्स एंड ब्लड प्रेशर, और अगर इस बीच आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आई एम जस्ट अ विजिट अवे। सोफिया, डोंट वॉक अवे सोफिया, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। और अगर आपको लगता है कि इस पिटिशन के बाद आपको मेरी जरूरत नहीं है मिस्टर मास्करेनस, देन डू लेट मी नो, आई विल सबमिट माय रेजिग्नेशन। Excuse me, may I help you? Sorry, I finally find someone in this house. I thought I was all alone. Such a beautiful house, I guess. Rosie! Maria! Yes, ma'am? दरवाजा खुला क्यों है? एक अजनबी इस घर को म्यूजियम समझ के घूम रहा है। Actually, ma'am, मैं मिस्टर मास्करेनस से मिलने आया था। Of course, आप यहाँ जेम्स बॉन्ड से तो मिले नहीं आए, for sure. Very funny, ma'am. I'm Omar Siddiqui, और मैं उनके शो का नया प्रोड्यूसर हूँ. रेडियो वालों ने भेजा है टू हेल्प मिस्टर मास्करेनस. दिस इज माय लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट. नॉट अ रेडियो प्रोड्यूसर, हमें केयरटेकर सर्वेंट की जरूरत है. फैंटास्टिक, मतलब बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ऑल ऑफ दैट. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड मैम. एंड यू नो व्हाट, मैं मिस्टर मास्करेनस का सबसे बड़ा फैन हूँ, उनके लिए कुछ भी. सोफिया, जब तक मैं ना बुलाऊं, स्टे राइट हियर. राइट हियर? क्रेजी वुमन, कितनी देर से बुला रहा हूं मैं तुम्हें. रेडियो स्टेशन ने नया प्रोड्यूसर भेजा है, बुलाऊं? उस प्रोड्यूसर को छोड़ो सोफिया, मेरे बैठ सो उसका क्या. आज सुबह से एक काम तो मैं ठीक से नहीं किया सोफिया. See, forget a lot nowadays. The only thing you do enjoy is changing my pajamas. Ghoor kya rahe ho? Never seen a paralyzed man before. What are you staring at? I'm sorry sir, I wasn't staring. I was just thinking of something. क्या? कुछ खास नहीं sir. क्या सोच रहे थे? Some rubbish sir. I wasn't thinking. Come on, say it. It's alright. Say it. I was just thinking. आप नाक स्क्रैच कैसे करते हैं फिटिकल्स? आप जा सकते हैं मिस्टर सिद्दीकी. Sir, मैं रेडियो स्टेशन से आया हूँ. मुझे आपसे कुछ बात करनी थी. Leave. Now. So I don't think your servant likes me very much. Kitni baar kaha hai Sophia, dhang ke kapde pehna karo, but you don't just... Either he leaves or I leave. Whoa. I don't have much of a choice now, do I? I'll be back, sir. Ooh, servant. Us idiot ki baaton se meri naak mein khujli si ho rahi hai. Would you please come and scratch my nose for me? मुझे जाना होगा. विश्व प्रसिद्ध जादूगर और आजकल के जाने माने रेडियो जॉकी ईथन मास्करेनस ने गोवा हाईकोर्ट में इच्छा मृत्यु की याचिका दायर करके सबको चौंका दिया. आज से 14 साल पहले उन्हीं के एक मैजिक शो के दौरान उनके साथ एक दुर्घटना घटी. 2 साल तक चलते बीसियों ऑपरेशंस और ट्रीटमेंट्स के बाद ईथन बच तो गए, लेकिन रीढ़ की हड्डी में लगी गहरी चोट की वजह से वो फिर कभी चल फिर नहीं पाए. कई साल पहले अपनी लिखी हुई किताब लर्निंग टू फ्लाई के लॉन्च पे क्वाड्रोप्लेजिक्स को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था, कोई ये भूल के भी ना सोचे कि हम में अब जिंदगी नहीं बची. जितनी भी है, जैसी भी है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है. And we will live it with dignity. हैरानी की बात तो ये है कि जिस इंसान को दुनिया एक रोल मॉडल समझती आई है,
शायद वो कोई हीरो नहीं बल्कि एक आम इंसान है जो अपनी परेशानियों से भागना चाहता है। आखिर में असली ईथन है कौन? वो आदमी जो क्वाड्रोप्लेजिक्स को जीने की राह दिखाता था, या वो जो आज खुद मौत का आसान रास्ता ढूंढ रहा है? ईथन की इस हरकत डू मी अ फेवर सुविया, वो टीवी बंद करो। या फिर मौत का तमाशा? ईथन की पेटिशन भर वो सूप नीचे रखो। थोड़ा सा तो ले लीजिए। सूप नीचे रखो सुविया, भूख नहीं है। अब वो टेबल के पास जा। वो आवाज उठा। That's one. Pick it up. Now smash it on the ground. What? Oh, that's answer coming, Sophia. Vaas ko niche phenko. Let's do it. No way, sir. Main aisa nahi kar sakti. Tum aisa kar sakti ho, Sophia. Main aisa nahi kar sakta. Is waqt main gusse mein, Sophia. I need to vent my anger. All right, just do it. No, sir. I am not going to do this. अगर तुमने ऐसा नहीं किया सोफिया, तो मैं खुद वहाँ पे आके तुम्हारा हाथ पकड़ के I'll take you to the front door and throw you out of this house and out of this job. I can't do it. Calm down, Mr. Mascarenhas. I will calm down, Sophia. I just want to be angry now. उतना गुस्सा आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम गुस्सा हो सकती हो, पूरी दुनिया गुस्सा हो सकती है, पर मुझे गुस्सा होने का कोई हक नहीं, हाँ? Take this medicine, Mr. Mascarenhas. The whole world thinks I've gone mad. And you, what are you doing? My injection nahi chahiye, Sophia. Ab main theek hu, I just got some, I just got a little angry. Ab meri baat suno, Sophia. Meri marzi ke khilaf tum aisa nahi kar sakti. It's a crime, Sophia. Aapko sone ki zarurat hai. What are you doing, Sophia? Just listen to me. सिर्फ एक ही चीज मेरे पास बची है, दैट्स माय माइंड। आई नीड टू थिंक सोफिया, आई नीड टू फाइट द वर्ल्ड। यू मुझे होश में रहने दो सोफिया। यू इफ यू डू दिस सोफिया, यू आर द मोस्ट हॉरिबल वुमन इन द वर्ल्ड सोफिया। मैं वही कर रही हूँ जो डॉक्टर नायक ने कहा, बट इससे आपको नींद आ जाएगी सोफिया। नीड टू थिंक, नीड टू थिंक सोफिया। डन। जाने किसके खाब तकिए के नीचे रात रख जाती है, हालांकि नींद नहीं आती है। कोई होता है
जब कोई नहीं होता तब कोई होता है, जाने किसकी बात होठों पे लाके रात रख जाती है, हालांकि नींद नहीं आती है, जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख जाती Sugar? Ma'am, sorry, I just passed out. Now that you have your coffee, would you like some breakfast with it? How sweet of you, ma'am. I'm so hungry, I've died to eat. आपको एक अच्छे नाश्ते की सख्त जरूरत है. क्या पता जेल में आपको कोई खाना पूछे या ना पूछे? मैम ऐसा मत करना प्लीज, सर को मत बताना मैम. बिल्कुल बताऊंगी, पहले मिस्टर मास्करेनस को बताऊंगी, फिर द रेडियो स्टेशन एंड उन सबसे पहले द पुलिस फॉर श्योर. मैम मेरी बात सुनिए प्लीज, सर को कुछ नहीं बताना, और अगर आपने उनको कुछ भी बताया आई स्वेयर आई विल किल माय सेल्फ. You don't believe me, na? Yo. Good morning, ma'am. तो तुम यहाँ रेडियो स्टेशन से नहीं बल्कि मैजिक सीखने आए हो. You lied to me. I'm sorry, sir. मेरे पास आप तक पहुंचने का और कोई तरीका नहीं था. Fine. Get out. मैं कहीं नहीं जाने वाला जब तक आप मुझे मैजिक नहीं सिखाते. बहुत हो गया सर, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए. इसी वक्त फोन करो सोफिया. सर 1991 मॉस्को, डू यू रिमेंबर? उस रात आपको मर्लिन का किताब मिला था, मर्लिन द किंग ऑफ मैजिशियंस. शो के बाद एक 5 साल का लड़का आपके गाड़ी के पीछे भागा था चेसिंग यू फॉर एन ऑटोग्राफ. दैट वाज मी. यू वर माय गॉड, यू वर एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू बी. इतने साल मैंने इंतजार किया टू मेक माई सेल्फ वर्दी. आज मैं तैयार हूं. प्लीज टीच मी मर्लिन. थैंक यू मिस्टर सिद्दीकी. थैंक यू सर. कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? सॉरी सर. डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नहीं अभी तक तो नहीं, बट आई लाइक टू फॉल इन लव. आई लाइक वुमेन. फर्ज करो कि मैं तुम्हें मैजिक सिखाता हूं. थैंक यू सर. और अगर एक दिन वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे कहे कि तुम्हारी जिंदगी में या तो वो रहेगी या मैजिक, तो तुम क्या करोगे? छोड़ दूंगा. किसे? मैजिक को. लव अबव ऑल एल्स सर. जिंदगी भर की मेहनत किसी अजनबी के हाथ यूं ही सौंप देंगे? एक मैजिक ही तो है मेरे पास सोफिया. मेरे साथ मेरा मैजिक खत्म हो जाए, इससे तो अच्छा कि मैं उसे सिखा के जाऊं. आई एम सॉरी मैं. बातें बंद करो सोफिया, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ about your beautiful, sexy, naked legs. हमारे selfish, मजाक उड़ाता है आपका. I hope you can see that. पर वो honest है. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, Sophia. Right there. Right there. Oh wow. Oh your soft hands, Sophia. Yeah. Yeah. Oh, do you like that, sir? Mm.
आज मैं उमर सिद्दीकी ओथ लेता हूँ कि मैं कभी भी कहीं भी कैसे भी जाने अनजाने में अपने मैजिक के राज किसी भी नॉन मैजिशियन को नहीं बताऊंगा। मेरी पूरी जिंदगी इस किताब में है, मेरे पहले एक्ट से लेकर आखिरी एक्ट तक, ये सारे राज अब तुम्हारे हैं। You can put your hand down now. I give you a hug, sir. Oh no, no, no. I have enough attachments already. Mr. Siddiqui. Thank you. What was that? Magic. Thank you, God. What the hell? Oh, shit, yaar, ab is bhoot bangle mein main candle kahan se dhoondunga? मेरे पास उनके सारे सीक्रेट्स हैं। अब मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। But problem बस एक ही है यार। This overpossessive woman. No यार उनकी कमी नहीं नर्स। She's a real bitch. Ma'am. मैं जा रही हूँ। Mr. Mascarenhas का ख्याल रखना। मैं अभी जाता हूँ मैम। Don't worry. What do you want? So I just came to check. आपको किसी चीज की जरूरत है? You'd like something to eat or ये cushions ठीक करो। Yes, sir. मैं ये पहली बार कर रहा हूँ. I'm not sure. You wanna be a magician? Yes, sir. So come on. Okay. Lights out. I wanna watch some fashion TV. Girls in short skirts and bikinis. Good idea, sir. Oh shit! So. Good night, Maria. Take care. Sophia! Sophia! Sophia!
I'm very sorry, मैं तकिया adjust कर रहा था, I completely lost control. God, are you okay? I'm very sorry, ma'am. मुझसे गलती हो गई. I promise अगली बार ऐसा नहीं होगा. I'll be more careful next time, ma'am. It's okay, Mr. Siddiqui. Leave. What a tragedy, Sophia. मैं गिरा भी और कुछ देख नहीं सका. स्कर्ट्स के नाम पे घाघरा पहन के आती हो तुम. Oh, your beautiful leg, Sophia. I'm telling you, that's my cure. जिस दिन तुम शॉर्ट स्कर्ट पहन के आओगी मैं चलने लग जाऊंगा. कल ट्राई करते हैं, व्हाट डू यू से? कल, कम ऑन सोफिया, प्लीज, टुमारो. Hi guys. Hey Devyani. कैसी हो सोफिया? अच्छी हूँ. Hello. Can I get you a chair, Devyani? No, I'm fine. How are you feeling? Great. अभी अभी जिम से वापस आया हूँ. A little tired. You still think about it? But. कैसे बोल सकता हूँ? तुम reappeal कर सकते हो, you know. किसी भी वक्त. टाइम क्या हुआ? आज के लिए वेर लिटिल लेट. कल? नो ईथन, ये इतना आसान नहीं है. लुक, वी नो कि हमारा कानून यूथनेजिया की इजाजत नहीं देता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हमारा केस एक मिसाल बन सकता है. बट फॉर दैट वी नीड टू डू मच मोर. लाइक व्हाट? यूज योर रेडियो शो. अपने लिसनर्स को अपनी बात समझाने की कोशिश करो. इतना सपोर्ट इकट्ठा कर लो कि जज सुनने से इनकार ही ना कर सके. And you can call it Project Euthanasia. I like it. Project Euthanasia. मैं जा रही हूँ सोफिया, bye. Ethan एक और कप कॉफी मांग रहा है. I'm taking a slice of bread. Yeah, I'm really hungry. Bye. I was thinking, उनकी कॉफी में चीनी की जगह दो चम्मच जहर डाल दूं, आसान रहेगा. What do you think? और भी तरीके हैं. समुद्र पास में ही है, लाइट हाउस से धक्का दे सकता है, या फिर रिवॉल्वर. मिस्टर मास्करिनस के पास लाइसेंस भी है. Stop it, Sophia. जब कोर्ट ने उनकी अपील नामंजूर कर दी है, वो क्यों वापस ये सब बातें? क्यों उनके मन में ये सब फिसला रहा हूं? तो तुम्हें लगता है कि मैं ये सब खुशी से कर रही हूं? इथन मेरा दोस्त है, एंड यू हैव नो आइडिया हाउ मच इट हर्ट्स मी उसकी डेथ पिटिशन के बारे में बात करते हुए. और यू नो, मैं इथन को उसकी ग्लोरी रेस से जानती हूँ, नॉट यू. उसकी शान, उसका रुतबा, दुनिया इसके कदमों में थी. सो आई विल नॉट स्टैंड बैक एंड वॉच हिम सफर लाइक दिस. आई केयर फॉर हिम टू मच, डू यू अंडरस्टैंड? You don't care for him. Oh, look, तुम समझने की कोशिश करो. समझने की कोशिश तुम करो देवयानी, and this hasn't been easy for me either. जिस दिन से मैं इस घर में नर्स बनकर आई हूँ, हर दिन हर पल इसी कोशिश में लगी हूँ कि उनकी हालत और ना बिगड़े. He lives a life of dignity. घर भूल गई, परिवार छोड़ दिया, बच्चे नहीं हैं, पति के जुल्म सहती रही, पर मन में एक ही बात थी कि उन्हें जिंदा रख सकूँ. I have done this for 12 years and I will do this all my life. यही मेरी जिंदगी है. लेकिन यहां बात तुम्हारी जिंदगी की नहीं है, बात ईथन और उसकी जिंदगी की है. ना, मैं मानती हूं कि तुमने ईथन के लिए बहुत कुछ किया, एंड आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर दैट, आई रियली डू. लेकिन सच तो यह है कि पिछले 14 सालों से वो जिंदा है, एक 4x6 के बिस्तर पर, एक 15x20 के कमरे में. वो अपने शरीर पर कुछ भी नहीं महसूस कर सकता है, नथिंग. Oh, for God's sake, he doesn't even know when he's passing urine or stool. Tum use saaf kar ke. Aur ye kabhi badalne wala nahi hai, Sophia. Tum jaanti ho aur main bhi.
So I will stand by Ethan and I will see to it that he gets what he wants. ये तुम क्या कर रहे हो मार? मैम मैं सर के लिए सूप लेके जा रहा हूँ। तो तुम क्यों ले जा रहे हो? मेरा काम है मैं कर लूँगी। Don't worry, ma'am. I've got it. Put the tray down, Omar. Ma'am, सुना है कि पिछले 12 सालों से आपने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। रोजी और मरिया बता रही थी कि आप हर रोज काम पे आई हैं। Is that true, ma'am? Anyways, I think कि आपको आधे दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। और ये मत सोचना कि मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, ma'am, please. And don't worry about Mr. Mascarenhas. मैं सब कुछ संभालूंगा। I swear I won't mess it up like last time. मैम अपने घर वालों के साथ बाहर जाओ, go to a movie, go to a party, go to the beach, go anywhere, ma'am. You don't need to feel guilty कि आप आधे दिन की छुट्टी ले रही हो. You deserve it. Sophia, now go. बस सर अब बहुत पी ली. सर सोफिया ने ये सूप बहुत प्यार से बनाया, थोड़ा सा खा लीजिए. सर नहीं खाएंगे ना तो रोजी मरिया चुगली कर देंगे और सोफिया मुझे मार डालेगी. सर सोफिया सोफिया सोफिया, बाहर से मार्बल और अंदर से ग्रेनाइट. व्हाट अ लेडी. सर यू नो मुझे लगता है ना शी इज इन लव विद यू. नहीं मतलब हम सब से, शी लव्स अस ऑल, शी इज अ लवली पर्सन. एक और ड्रिंक है. हाँ मैं दे रहा हूँ सर. सर मुझे एक बात बताइए, आपका पहला मैजिक ट्रिक क्या था? Ooh, don't trick me, boy. Pour the wine. मैं सच में जानना चाहता हूँ. I'll give you the wine. But what was your first magic trick? मैं 7 साल का था. You were 7 years old. It was Christmas Eve. And of course, Mama and I knew कि इस साल भी सांता नहीं आने वाले थे. आते भी कैसे? गिफ्ट लाने वाले पैसे नहीं थे और पैसे लाने वाले डैड नहीं थे. अक्सर ऐसे घरों में सांता नहीं आते. सर कुछ पैसे कमाने के लिए मामा मार्टिन्स बार में सिंगर बन गए. मैं नहीं जानता व्हाट इट मीन बट आई वाज सो प्राउड. माय मामा वाज ऑन स्टेज एंड शी लुक्ड ब्यूटीफुल. First magic trick was the raining coins. No. Smile, Mama ke chehre par. That was my first magic trick.
मेरा सबसे मशहूर एक्ट जिसका राज दुनिया अब तक ढूंढ रही है. कॉन्सेंट्रेट अमार. अब अपने हाथों से उस पेपर को उसके अंजाम तक पहुंचा दो. तुम कर सकते हो अमार. Make it happen. ये नामुमकिन है सर. I don't know. I'm just no good. मुझसे ये नहीं होगा. अपने गुस्से को इस्तेमाल करो. Now stand up and try again. And then fail again and then try again. And then fail again and then try again. Rise. Tear the paper. Believe. I think it's the applause I missed the most. Hey Goa, kaise ho tumi? Welcome back to Radio Zindagi. Aaj ke liye our topic is my petition for mercy killing, euthanasia. Yeah, euthanasia, as I like to call it. मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे फ़ोन करें और मुझे बताएं कि आपकी राय में जो मैं मांग रहा हूं वो सही है या नहीं. अरे वाह, सोफिया टेल्स मी वी हैव अ फर्स्ट कॉलर ऑलरेडी. हेलो. हेलो सर, दिस इज ओमार. आई एम सॉरी आई टू कॉल यू सर, पर मैं ये सब आपके सामने नहीं बोल पाऊंगा. सर, ये जो आप करने जा रहे हो मुझे सही नहीं लगता. सर, मैं जानता हूँ आप क्या महसूस कर रहे होंगे, बट यू नो सर, यू आर द बेस्ट गाय, लाइक The best person I've ever met in my life. और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे मैजिक सीखना है. सर, आप जो मेरे लिए हैं, नो आई डोंट नो सर, आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस इनटू वर्ड्स, बट आई वांटेड टू लिव. आई रियली वांटेड टू लिव. कहना पड़ेगा कि शो की शुरुआत तो काफी अनएक्सपेक्टेड हुई. थैंक यू ओमार. थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड लेटिंग मी नो हाउ यू फील. हे, दिस इज जॉन हियर. और मेरे साथ यहाँ पर रफत, जावेद और गोम्स भी है. हे गाइस. यू नो, हम सभी तुम्हारे जैसे क्वाड्रोपिजिक्स है और हमने हमारे इस गैंग का एक नाम भी रखा है, द सुपर डुपर क्वाड्स. यू आर अ फैबुलस गाय यार, एंड वी ऑल ओवर हियर लव यू अ लॉट. इसीलिए पूरे गोवा के सामने आज हम तुम्हें एक ऑफर करते हैं. प्लीज ना आने कहना यार. जॉइन आवर सुपर डुपर क्वाड्स क्लब एज अ चेयरपर्सन. थैंक्स गाइस, पर और चेयर पर बैठा नहीं जाता. आई एम सो ग्लैड कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ बात मेरी और सिर्फ मेरी हो रही है, सब क्वाड्रोप्लेजिक्स की नहीं. इट्स माय पर्सनल चॉइस. ईथन, जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वही दर्द हमने भी कभी ना कभी महसूस किया है. And we completely understand. ये कदम आज तुम क्यों उठाना चाहते हो? So what's your vote, guys? No, yeah. No, yeah. No. It's not right. No. Hey, Ethan. This is Sister Julia here. I want to tell you something. Please, sister. कहिए. God's love is so wonderful, so wonderful. God's love is so wonderful for you and for me. God is very kind when you're lonely. Sister Julia शायद सीधे वैटिकन पहुंच गई है, वो भी without a ticket. But I understand. वो कहना चाह रही है yes for life and no for euthanasia. What kind of a role model are you, Ethan?
आपकी लिखी किताब लर्निंग टू फ्लाई हमारे स्कूल के स्पेशल चिल्ड्रन के लिए एक टेक्स्ट बुक है. As a principal and someone who looks up to you, my vote is a no. Sir, मैं और मेरे दोस्त आपके बहुत बड़े फैन हैं सर. You are like the coolest RJ ever. You play such great music, sir, and we all the awesome things you say on the show really inspires us. So we love it. And so we cannot bear the thought of you dying, sir. No to euthanasia, please. मुझे लगता है कि इस वक्त तुम डिप्रेशन के शिकार हो और तुम्हें इस प्रोजेक्ट इथनेशिया के पीछे छुपने से ज्यादा हमारी काउंसलिंग की जरूरत है. गुस्सा नहीं, मुझे तरस आता है तुम जैसे बेहुदा किस्म के लोगों पर जो मासूमों को भड़काकर उन्हें गुमराह करते हैं. और तुम खुद क्या हो, एक कमजोर और बुजदिल आदमी. मैं अब भी कह रहा हूँ अपना ये वाहिया सा प्रोजेक्ट इथनेशिया बंद करो, इसे बंद करो, इसे वरना. वरना क्या? हाँ, हाउ कैन यू पीपल जस्ट यू डोंट Thanks for your vote. No more project Ganesha. Har roz logon se vote mangne ki kya zarurat hai? Do we need to go through this? Yes, we need to go through this because I'm bloody going through this. Har project Ganesha ka goodbye kehne se pehle I think ek aakhri call. Hi, what's your name? Hello, Ethan. Ethan, are you there? Estella. Yes, Ethan. पहचान लिया तुमने? It's Estella. देखो अपने असिस्टेंट को फोन काटने के लिए मत कहना. तो तुम अभी मन की बातें पढ़ सकती हो. तुम इसे तो सीखा है. Well, अपने सुनने वालों को बता दूं कि बहुत साल पहले Estella मेरी असिस्टेंट थी and she was bloody good. And I used to throw knives at her. जादू से उसे गायब कर देता. Hypnotize करके I used to make a fly in the air. और कभी कभी उसके टुकड़े टुकड़े करके फिर से जोड़ देता. सुनने वालों को मैं भी बता दूं कि एक बार तुमने मुझे हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया. इथन, मैं उस दिन की बात कर रही हूँ जब तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुमने मुझे जिंदगी से चले जाने को कहा और मैंने वैसा किया. बिकॉज आई अंडरस्टूड. तुम्हारे कहने पर मैंने मार्क से शादी की क्योंकि तुम मेरी खुशी चाहते थे. आई अंडरस्टूड. तुमने मुझे अपनी जिंदगी में फिर कभी ना मिलने का वादा लिया. एंड आई केप्ट माय प्रॉमिस फॉर 12 लॉन्ग इयर्स एंड आई अंडरस्टूड यू. एनफ एस्टेला, ये शो प्रोजेक्ट इथनेशिया के बारे में, हमारे बारे में नहीं. एंड ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि तुम्हारा जवाब क्या होगा, बट फिर भी तुमने फोन किया तो बताओ क्या है तुम्हारा वोट. हाँ या ना? हाँ या ना एस्टेला? माय वोट इज यस. I know a lot of people misunderstand me, hate me, but I have loved you so much. I do understand your suffering. I do. Thank you, Estella. Mujhe samajhne ke liye. And for being the first yes after so many no's. I'd like to wish you and Mark and the children a very happy life. Aur mera agla gana main dedicate karta hu to our love that was. तेरा जिक्र है या इत्र है जब जब करता हूं महकता हूं बहकता हूं चहकता हो के तेरा 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 जिक्र है
इत्र है जब जब करता हूँ महकता हूँ बहकता हूँ चहकता शोलों की तरह खुशबू में दहकता हूँ बहकता हूँ महकता हूँ कि तेरा जिक्र है या इत्र है जब जब करता हूँ महकता हूँ बहकता हूँ चहकता Who is anybody here in this discussion outside to decide on what should happen to Ethan's life? Well, we have and none of us actually have right to die so that people do not miss you. That law should be enacted to allow euthanasia? Is that what you're saying? Absolutely. You know what, guys? I think the time to reappeal is now, with public support. Judge ko hamari baat sunni hi padegi. Lekin is baar, main court akeli nahi jaungi. I'll come with you. Not you, yeah. मैं चाहती हूँ कि ईथन मेरे साथ चले। Oh. Come on, sir, you know it's a good idea. It's a fabulous idea. इतने सालों से तुम इस घर में बंद हो। I'm giving you such a fantastic reason to get out. और इस बार बाहर जाने से तुम मना नहीं कर सकते। Would you like to wear the grey suit? Yeah. Am I red sick die? And my Oxford shoes. And my pink sunglasses. And my pocket watch. And my stage hat. What do you think? Thodi nervous, but very handsome. Be careful. One step at a time. You're telling me to be careful. Yeah. Last one. Okay, arms. Okay, aakhri step. Yeah! Get the basket ready, Maria. Sure. Lagta hai seedha heaven pahunch gaya. Welcome, Father Samuel. So sorry, Ethan. Bin bulaye aane ke liye maafi chahta hoon. That's all right. Could I have a word with you? Sure. In private, please. Of course. Thank you. Most welcome, Father. What is it, Father? Is everything okay? Project Ethanasia. Aap yahan itni dur vote dene aaye, Father? You can't do this, Ethan. This is a serious matter. Radio poll ke zariye isse solve karna mumkin nahi. To phir SMS ke zariye, you think? God ne hame zindagi di hai. इसके साथ यूं खेलने का हमें कोई हक नहीं और उससे हक है हमारे साथ खेलने का फायदा जो चाहे करने का ईथन हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता इसीलिए तो मैं चर्च पे नहीं फादर कोर्ट में अपील कर रहा हूं
भगवान हमें हर मुश्किल से लड़ने को कहते हैं। लड़ाई बिना हाथों के, लड़ाई के लिए सिर्फ हाथ पांव नहीं चाहिए, उस पे भरोसा रखो। He'll show you the way. For now, the right way for me is that door, father. Can you push, will you? Of course. God pe bharosa hai, isliye the father. I'm just dying to meet him. Okay, father. One, two, one, two, three, three. आप भी साथ चल रहे हैं फादर? ईथन, जो तुम करने जा रहे हो वो गुनाह है। Well, then may the Lord forgive you, father. क्योंकि इस गुनाह में अभी अभी आपने अपना हाथ दिया है। You have a good life, father. Have a good life. सुना है जज साहब बहुत सख्त किस्म के जज हैं। He's a difficult man. Maybe he just needs to hear my story. आप इस लड़ाई में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे साथ मेरे वॉरियर्स हैं। All right then, sir. Break a leg, sir. Your Honor, इस केस के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लिखा गया है। But I think it would be best कि हम इसके बारे में खुद मिस्टर मास्करेनस से सुने। इसलिए आज वो यहाँ कोर्ट में आए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी ऑना कि एक्सीडेंट के बाद पिछले 12 सालों से मिस्टर मास्करेनस घर के बाहर नहीं निकले हैं।
सो योर ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हियरिंग शुरू होने से पहले आप मिस्टर मैस्करेनस को कोर्ट से कुछ कहने की इजाजत दें. ही शुड बी हर्ड योर ऑनर, ही मस्ट बी हर्ड सो दैट वी अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ ही फील्स. मे आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मिस्टर मैस्करेनस इज ऑलरेडी बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ काउंसलर, सो देयर इज नो नीड फॉर हिम टू स्पीक. बट देयर इज नो हार्म इफ ही स्पीक्स. इस कोर्ट को इमोशनल ड्रामा में बहने की कोई जरूरत नहीं. दिस इज अ स्पेशल केस योर ऑनर, इसलिए स्पेशल तैयारी की जरूरत है. सो मुझे कुछ और समय चाहिए. Since the prosecution has requested for more time, it will be granted. But the matter will be listed on priority, Ms. Datta. Court aapko agli tarikh bata dega. Thank you, Your Honor. I may be speaking out of turn, Your Honor, but ye hearing aaj kyun nahi ho sakti? Mr. Prosecutor ko shayad thodi aur waqt ki zarurat ho, lekin Mr. Mascarenhas to puri taiyari ke saath aaye hain. At least aap unki baat to sun sakte hain. Please sit down, ma'am. I'm sorry, Your Honor, but I can't. और मेरे ख्याल से कोर्ट में आज जितने लोग हैं उन सभी को मिस्टर मैस्करेनस के साथ होती हुई नाइंसाफी के प्रोटेस्ट में खड़े हो जाना चाहिए. He has suffered through 14 long years, Your Honor, 14 साल. और इस कोर्ट के पास दो मिनट नहीं है उनकी बात सुनने के लिए. Does he have to suffer another 14 years before he can be heard? Immediately, ये अदालत मिस्टर मैस्करेनस की अपील इसी वक्त डिसमिस करेगी. This is a contempt of court. Do you understand this, Mrs. Mascarenhas? Please, अपनी जगह पर बैठ जाइए. Mr. Mascarenhas, I understand आपको यहाँ आने में कितनी तकलीफ हुई होगी. इस केस की स्पेशल सर्कमस्टांसेस को नजर रखते हुए दिस कोर्ट विल एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रेशनरी पावर्स. अगली सुनवाई आपके घर में होगी. आई ट्रस्ट दैट विल बी ऑल राइट, मिस्टर मैस्करेनस. साथ में लंच भी करेंगे, योर ऑनर. दिस केस विल बी अडजर्न टिल देन. आज का दिन आसान नहीं था, but I've decided we're not going to be sorry about it. No afsos. इतने सालों बाद घर से बाहर आए हैं, so an evening of entertainment would be a good idea. Well, I don't know about me, but वो बहुत entertain हो रही. You wanna buy me a drink? Sorry. Good evening, Mr. Mascarenhas. Yeah. Welcome to our restaurant. What can I get for you, sir? An audience. Sari raat lagi speech taiyar karne mein aur judge ne suni bhi nahi. Anybody here want to hear a speech? Yeah, I guess not. There would be two beers and for Mr. Mascarenhas, chicken soup and breadsticks, please. Right away, ma'am. Thank you. Ah, you man, fun for you and breadsticks for me. Yeah, entertainment. Sophia style. So that's two men. Well, it's okay, Omar. इनके तानों के बिना तो दिन हम दोनों के लिए अधूरा रहता है. Ladies and gentlemen, we have amongst us a very special guest this evening, Goa's favorite Ethan Mascarenhas. And this song is specially dedicated to him from all the ladies out here. मुझे कुछ भी समझ नहीं
Is that really you, Mama? Oh, I missed you, Mama. Guess you. I'm fine. Bas tumhe dekhne ka man hua. I'm so glad tum aa gayi, Mama. Kitna man kar raha tha tumse milne ka. Main phone karne wala tha. Liar. You never call. Aur tum chahte bhi nahi. कि मैं तुम्हें आकर मिलूं, पर तुम तो मेरी मैजिशियन हो. You don't need to call me. I'm praying for a miracle for you, my son. Then pray, Ma. Pray that I can lift these arms and give you a big hug. सब जानते हैं कि ये कोई मामूली केस नहीं. इसीलिए इस मुल्क के कानूनी इतिहास में शायद पहली बार सुनवाई कोर्ट में ना होकर किसी के घर में हो रही है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल प्रेजेंट टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कोर्ट. मिस दत्ता, प्लीज बिगिन द प्रोसीडिंग्स. योर ऑनर, ये है मेरे क्लाइंट मिस्टर ईथन मास्करेनस, जिन्होंने अपने पूरे होश और आवास में मर्सी किलिंग या इच्छा मृत्यु की पिटिशन फाइल की है. एंड वी वुड लाइक टू आर्ग्यू दैट नो ह्यूमन बीइंग वुड विलिंगली आस्क फॉर डेथ अनलेस दे रीच्ड अ स्टेज ऑफ सच सफरिंग, वो सफरिंग जो आप और मैं कभी समझ नहीं पाएंगे. सो ऑनर, आई'd लाइक टू ओपन द केस विद डॉक्टर नायक. डॉक्टर नायक, आप मिस्टर मास्करेनस की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में हमें कुछ बताएंगे? इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड. पिछले 6 महीनों में हिज लिवर फंक्शंस हैव डिटेरियोरेटेड रैपिडली. उनका दिल थोड़ा कमजोर हो चुका है. He regularly needs dialysis. और जिस तरह ईथन की हालत बिगड़ रही है, कुछ ही दिनों में सांस लेने के लिए भी शायद वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी. और उनकी हालत में सुधार की कोई भी उम्मीद है डॉक्टर? हम सब कुछ करके देख चुके हैं. सर्जरी, मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी. दिस इज एज नॉर्मल एज ही कैन बी. डॉक्टर नायक, क्या आप ये बात स्टैम्प पेपर पर लिखकर दस्तखत करेंगे कि कोई चांस नहीं है इनके ठीक होने का? ऐसे दावे के साथ कोई भी नहीं कह सकता. साइंस के अलावा भी मिरेकल्स हो सकते हैं, पर करोड़ों में शायद एक. सो मिस्टर मास्करेनस, वो करोड़ों में से एक नहीं हो सकते. एक डॉक्टर होने के नाते क्या आप इनके इस फैसले से सहमत हैं? ऑफ कोर्स मैं सहमत नहीं. मेरा पेशा मुझे जिंदगी बचाना सिखाता है और मुझे लगता है कि दिस इज ईथन्स पर्सनल डिसीजन. और आपको यह भी लगता है कि इस तकलीफ को सहने वाले मिस्टर मास्करेनस इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी? नो, और भी है.
तो फिर तो ऐसे सब लोगों को मर्सी किलिंग की पिटीशंस फाइल कर देनी चाहिए। नो 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 मिस्टर प्रोसिक्यूटर, कोई नहीं कह रहा है कि हर क्वाड्रिप्लेजिक को मर्सी किलिंग की अपील करनी चाहिए। हम जानते हैं कि हर पेशेंट की जरूरत अलग होती है, एंड्योरेंस लेवल अलग होता है। योर ऑनर, इट लुक्स लाइक आवर लर्नड प्रोसिक्यूटर हैज नॉट बॉदर्ड टू डू एनी रिसर्च। मिस्टर मास्करेनस ऐसी पिटीशन फाइल करने वाले पहले पेशेंट नहीं है। प्लीज लुक एट योर फाइल योर ऑनर। एक बाप जिसने अपने बेटे के लिए यूथनेशिया की अपील की, a wife for her husband, relatives, sons, daughters. हमारे कोर्ट्स में ऐसे हजारों केसेस पेंडिंग है, वेटिंग टू बी हर्ड, लेकिन हमारा जस्टिस सिस्टम खामोश है। Why? क्योंकि हमें लगता है कि लोग ऐसी रूलिंग का गलत इस्तेमाल करेंगे and people like Mr. Mascarenhas will have to pay a price for it. Silence, please. No interruptions. Mr. Prosecutor, your next witness. Umar, आप तो कई दिनों से इस घर में रह रहे हैं। जी, मैजिक सीख रहे हैं आप? हाँ जी। किस तरह के इंसान है ये मिस्टर मास्करेनस? एक नंबर के जीनियस। अच्छा, लेकिन ये जो लोग जीनियस होते हैं ना, अक्सर यू नो थोड़े से सरपेरे नहीं होते, लोग अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। ही इज अ ग्रेट टीचर। मजाक करते हैं? हम मजाक करते हैं, करते करते हैं, और जब मैं गलती करता हूँ तो डांटते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं। गुस्सा भी करते हैं? या जब गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं? गुस्से में सर कभी कभी हमें प्लेट्स तोड़ने के लिए कहते हैं। अच्छा। और एक बार जब रुमाल में से फूल की जगह एक रैबिट निकल आया था, वी वर जस्ट प्रैक्टिसिंग, राइट, एंड आई कंप्लीटली मेस्ड इट अप। सो एज अ पनिशमेंट, पूरी रात घर के बाहर बारिश में, ही मेड मी डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल आई गॉट इट राइट, बट ग्रेट फन। राइट, रात भर जी बारिश में घर के बाहर। या इट्स कंप्लीटली माय फॉल्ट। थैंक यू मिस्टर सिद्दीकी, दैट विल बी ऑल। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, ये आदमी ईथन मास्करेनस definitely doesn't seem of sound mind, जैसे कि हमने सुना। No, that's not what I said. You finished, Mr. Siddiqui. I object to this line of questioning. Objection overruled, Mr. Siddiqui. That's all. Please proceed. Thank you, Your Honor. As I was saying, इस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। घर के लोगों से प्लेटें तोड़वाना, अपने स्टूडेंट को रात भर बारिश में पनिश करना, और रेडियो पर प्रोजेक्ट ईथनेशिया क्रिएट करके लोगों से वोट मांगना खुद को मारने के लिए, अगर ये किसी पागल दिमाग का पागलपन नहीं तो और क्या है? I think we're just wasting our time indulging him. I think this whole case is just one second wasting our time. I don't believe this. Your Honor, क्या public prosecutor कहना चाहते हैं कि euthanasia जैसा serious issue जो हमारा legal system आज यहाँ address कर रहा है is a waste of time? That's right. आपका objection सही है. Tread lightly, Mr. Prosecutor. Your next witness, Mrs. D'Souza. Please explain, Mr. Mascarenhas के साथ आपका क्या रिश्ता है? मैं पिछले 12 सालों से उनकी नर्स हूँ। कहना पड़ेगा, आप एक नर्स के लिए बेहद खूबसूरत है। Objection, Your Honor, इस बात का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है, Your Honor. So, Mr. Mascarenhas ने आपको इस पेटिशन के बारे में कब बताया? मुझे न्यूज़पेपर से पता चला। और आप इस पेटिशन से अग्री नहीं करती? मैं मिस्टर मास्करेनस की नर्स हूँ और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ होने ना दूं, पर मुझे उनके दर्द का एहसास है। आई फील हिज सफरिंग। तो उनकी Of suffering. तो उनकी इस सफरिंग को खत्म करने के लिए आप उनकी मदद करना चाहती हैं और बदले में फायदा भी उठाना चाहती हैं। मतलब? मिसेस सोफिया डिसूजा जैसी खूबसूरत औरत ऐसे आदमी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर क्यों करेंगी? Why? She is ready to forsake her family. She is ready to walk out of her house. अपने पति के खिलाफ वो डाइवोर्स के पेपर्स भी फाइल कर चुकी हैं। क्यों? सिर्फ एक ही पेशेंट के लिए जिसकी देखभाल ये पिछले 12 साल से कर रही है। बात असल में ये है कि ये थक गई है इनकी सेवा करते करते 12 साल। छुटकारा पाना चाहती है इनसे और फिर इस बंगले के ऐशो आराम का मजा लूटना चाहती है। मिस्टर मास्करेनस अमीर आदमी है और अक्सर ऐसे अमीर पेशेंट्स अपनी नर्सेज और अपने केयर टेकर्स के नाम अपना सब कुछ छोड़ जाते हैं। यस काउंसल, इज़न्ट दैट द ट्रूथ? योर ऑनर, हियर आर फाइनेंशियल पेपर्स। एक गिरवी घर, लाखों के कर्जे और एक बैंक अकाउंट जिसमें सोफिया को देने के लिए शायद 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं होगी। नो, आई वॉन्ट टू एड समथिंग हियर ऑन। अगर कोई एक इंसान है जिसका मिस्टर मास्करेनस की जिंदगी पे हक है, खुद ईथन से भी ज्यादा, वो है सोफिया। शी इज बीन मोर देन अ नर्स टू हिम, more than a friend, a lover, even a wife.
and that is the truth. Your Honor. मैम, आपका बेटा एक बहुत बड़ा अचीवर है, ये हम सब जानते हैं. यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ हिम. आई एम. बहुत प्यार करती हैं आप उनसे. ऑफ कोर्स. तो फिर आप उसके साथ क्यों नहीं रहती? ये ईथन की मर्जी है कि मैं उसके साथ ना रहूं. वो नहीं चाहता कि मैं उसे इस हाल में देखूं. आप उसकी इस पिटिशन से सहमत है? डू यू अग्री? मैं इसकी माँ हूँ. आई गिव हिम लाइफ. पर आई बिलीव कि ईथन का अपनी जिंदगी पर हक है. आखिर जिंदगी है किसकी? मेरी, क्योंकि मैंने उसे जन्म दिया, या डॉक्टर नायक की, क्योंकि उन्होंने उसे बचाया, या सोफिया की, क्योंकि वो हर रोज उसकी देखभाल करती है, या दिव्यानी की, बिकॉज शी इज फाइटिंग फॉर इट, या मिस्टर प्रोसिक्यूटर आपकी, क्योंकि आप इस पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर जज साहब आपकी, क्योंकि इसका फैसला आपके हाथ में है. ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ईथन की है. प्लीज गिव माय सन द डिग्निटी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपका बेटा इस काम में आपकी मदद मांगे तो एक बेटे की जान लेने में क्या उसकी अपनी मां उसकी मदद करेगी? हाँ, I will. I want his pain to stop. I want his suffering to stop. मैंने सभी विटनेस को बारीकी से सुना. एंड मिस्टर मैस्करेनस, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? Well, if you allow me, Your Honor, मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाना चाहूंगा. All right, go ahead. Omar. Oh, I need a volunteer. Mr. Prosecutor. जी? मदद करेंगे मेरी? क्या मतलब? आपको इस बॉक्स में रहना है. 60 seconds, Mr. Prosecutor. और मैं आपको एक brand new दुनिया में ले जाऊं. Trust me, it's great fun. Okay. Sixty seconds, Mr. Prosecutor. लगता है आज बारिश होगी, Your Honor. I hope you're carrying your umbrella. बारिश? अच्छी खासी धूप है बाहर. Let's get to the point, Mr. Mascarenhas. Your magic trick. Oh, I just love Goa in the rains. बारिश में कभी कभी मेरे छत से पानी टपकता है, Your Honor. Mr. Mascarenhas, what is going on? So I have rains inside and the outside. It's really quite funny. If this is your idea of a magic trick, thank you very much. Please, Mr. Prosecutor, को बाहर निकालिए. Timing, Your Honor. Your Honor. Timing is everything in magic. Mr. Mascarenhas, let him free,
or I'll have you held for contempt of court. We're on this. Mr. Mascarenhas. You think this is funny? अंदर पता है कैसी घुटन होती है? You can't move. 60 seconds. Ethan Mascarenhas की जिंदगी के 60 seconds बर्दाश्त नहीं कर पाया. 60 seconds, Mr. Prosecutor. That's all, Your Honor. मैंने कहा था ना ये रोना, आज बारिश होगी। ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप मेरे फेवर में जजमेंट नहीं देंगे। Oh, that's cool. Bullseye. Oh. Okay. You want to play? Huh? All right, come on. Just you and me. Come on. Boom. 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 Whoa. Puri fauj le aaye. Well, mere paas big soldier. I'll show you. Omar! Big soldier down. But I forgot my trump card. My mama. Mama! Mama, can you hear me, mama? Bas itni si tumse guzarish hai. बारिश है देखो ना ये जो बारिश है इसमें तेरी बाहों में मर जाऊं बस इतनी सी छोटी सी एक ख्वाहिश मिस्टर मास्करेनस, आपने ठीक कहा था. इट डिड रेन. गॉड, आर यू ऑल राइट? दिस रूफ, गॉड. मिस्टर मास्करेनस, क्या आपने पूरी रात ऐसे ही बिताई? किसी को आवाज नहीं होती. वो मार कहाँ था? सफिया, सफिया. मार. Rosie, Maria, yes, come up quickly. I had a weird dream last night, Sophia. What's happened here? Kaha the tu? So? Shit. Get the chair. Ma'am, मैं अपने कमरे में सो रहा था. इतनी बार कहा था तुमसे कि रात भर चेक करते रहना. Sophia, you think I would ever let this happen? I'm okay, guys. The end. Depend on you, Omar. हमेशा गलती मेरी है ना. Stop being childish, Omar. Ma'am. Fresh कपड़े लाना. So, Omar. So are you fine? Yeah. जाके मामा को उठा. And I'm really hungry. सब मिलके नाश्ता करेंगे. Okay? Sorry, sir. I'm okay, Sophia. इसे कहते हैं Chinese torture. Sophia. Sophia!
अब क्या हुआ? मामा इज़ाबेल, मामा इज़ाबेल अब नहीं रही। इज़ाबेल का हंसता हुआ चेहरा हमेशा हमें याद रहेगा। उसे सबसे अच्छा लगता था लोगों में खुशियां बांटना। एक बार उसने मुझसे कहा, फादर, trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, the dark, sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Welcome back to Radio Zindagi. And I'm Ethan Mascarenhas saying, your life bahut choti hai, dosto. So go on, break the rules. Forgive quickly, kiss slowly. Love truly, laugh uncontrollably, and never regret anything that made you smile. Hello, friend. Hi, Ethan. बहुत अफसोस हुआ मामा के बारे में सुनकर. She was the best, huh? मुझे मालूम है वो तुम्हारी strength थी, तुम्हारी inspiration थी. I really hope कि तुम भी अपनी ज़िंदगी उसी जज्बे के साथ जी सको. Happy birthday, Yasir. तुम्हें याद है? मैं कुछ नहीं भूलता, Yasir. Ladies and gentlemen, let me introduce to you, Yasir Siddiqui. एक ज़माने में मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मैजिक की दुनिया में सबसे बड़ा नाम. Come on, Ethan. हम दोनों जानते हैं कि एक नाम मुझसे भी बड़ा था, तुम्हारा, Merlin. Not me. You were the greatest. आज की दुनिया आसानी से मान रही है, Yasir. Please, Ethan, for what I did to you, please forgive me. किसे माफ करूं यासीर? तुम तो मर चुके हो. You died that night, यासीर. So, ladies and gentlemen, let's mourn the death of a great magician that once lived. He was my best friend.
Look at that. कैसा लगा? It's crap. Come on. इतना भी बुरा नहीं. तो तुम्हारा पहला magic show in 15 days. So you're finally leaving. I expect. Yes. मेरे भी. सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. Thank you for being my teacher. सर मैं जा रहा हूँ बुला रहा हूँ. I'll always be around. तो आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल मुझे हमेशा याद रहेगा. And of course you'll miss me. All finished? नहीं सर. मुझे कन्फेशन करना है सर. मैं यासीर सिद्दीकी का बेटा हूं. आप जानते थे सर? फिर भी आपने मुझे मैजिक सिखाया. What do I say? They just don't make men like me anymore. Rise. For all the smiles जो तुमने दिए, तुम्हारे लिए गिफ्ट है. Right there. मुझे यहां से बाहर निकालकर दूसरे आदमी के बेडरूम में तुम क्या करने वाली हो? क्या हो रहा है सोफिया? Who is it? Nothing, Mr. Mascarenhas. I just did I disturb you? I'm really sorry, Mr. Mascarenhas. I'm Sophia's husband, but वो मुझे भूल गई. I hope you remember me. I'm never disowned. I can't say it's a pleasure. Of course you can't. चेरे मुझे देखने दो उसे. साला हाथ भी नहीं मिला सकता इस वेजिटेबल के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? तुम जैसे कौवे से तो अच्छा हूं. यू क्रैक्ड अ जोक. आई लव्ड इट. प्रेजेंट हाथ मत लगाओ उसे. अपने हस्बैंड से ज्यादा तुम्हें अब पूरी में हो रही है. कौन सा हस्बैंड? सोफिया हर दो साल चला जाता है. जस्ट कम बैक फॉर एन एनिवर्सरी. हे राम एंड ऑल बेस्ट. या और तुम्हें सिर्फ अपनी पेंटिंग्स की परवाह है. इंसान की तो परवाह नहीं है तुम्हें.
What are you doing? Oh, I'm just painting her face, you know. Nothing else. You leave her alone, okay? Masquerade. Just hold on. See, listen to me. I'm a painter. I need freedom. I need love. And she's not giving all this. Do you understand? Just tell her he does. He does. I am your husband. Stop! No! Don't touch her, you coward! अगर तुम इसे छोड़ा तो आल क्या करोगे सोफिया घरोगे प्लीज उसे मत मारो प्लीज सो मच पेन इन योर आईज आखिरी बार देख लो इसे क्योंकि इसके बाद ये यहाँ पर कभी नहीं आएगी आई नीड हर आई नीड मैं तुम्हारी पेंटिंग तुम्हें बेचूंगा ईथन तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक नहीं लग रही है मैं तुम्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करने वाला हूं आई नो यू गोना फाइट तुम हल्ला करोगे बट दैट्स इट यहां तुम्हारी देखभाल कौन करने वाला है ना तो तुम ठीक से दवाइयां लेते हो ना ही ठीक से खाना खाते हो ना किसी की बात सुनते हो इस घर की हालत तो देखो ये छत कभी भी गिर सकती है माय फ्रेंड और मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा हॉस्पिटल इट इज हे बाय द वे आज सुबह मैंने सोफिया से बात की वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कह रही थी कि उसे थोड़ा वक्त लगेगा वापस आने में She'll be back. Ethan, तुम उसकी चिंता मत करो वो अपना ख्याल खुद रख सकती है She's a fighter. और मैंने हॉस्पिटल को कह दिया है कि जब तक वो वापस नहीं आए एक और नर्स का इंतजाम करने के लिए हम बने हुए हैं आपके साथ आज की सबसे बड़ी खबर पर जो आ रही है गोवा से आज गोवा हाई कोर्ट में ईथन मास्करेनस की इच्छा मृत्यु की अपील पर फैसला सुनाया जाएगा ये फैसला हिंदुस्तान के कानूनी इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है तो चलिए चलते हैं राधिका तलवार के पास जो गोवा हाई कोर्ट से लगातार हमारे साथ इस खबर पर बनी हुई है तो राधिका क्या लगता है आपको ये कहना बहुत मुश्किल होगा सरोज सभी को उम्मीद है जज राजहंस के कलम से एक ऐतिहासिक फैसले की पर क्या वो हमारे लीगल सिस्टम को एक नई दिशा दे पाएंगे हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा आप देख सकते हैं कॉरिडोर्स लगभग खाली हैं क्योंकि सारे लोग कोर्टरूम में जमा हैं फॉर व्हाट वी होप विल बी अ हिस्टोरिक जजमेंट एंड ऑल वी कैन से इज गुड लक ईथन मास्करेनस पेश की गई सभी दलीलों और इस केस से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि मिस्टर ईथन मास्करेनस की इच्छा मृत्यु की मांग असंवैधानिक है इंसानियत के तौर पर यह जुडिशरी मिस्टर मास्करेनस की बिगड़ती हुई हालत और इस प्ली की वजह समझती है पर यह कोर्ट किसी को भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से लेने की इजाजत नहीं दे सकता देयरफॉर रिलीफ इज डिनाइड एंड दिस पिटीशन इज डिसमिस्ड हमें अभी अभी खबर मिली है कि ईथन मास्करेनस अपना केस हार चुके हैं इच्छा मृत्यु की उनकी ऐतिहासिक अपील को आज नामंजूर कर दिया गया उन्हें जिंदा रहना होगा अब चाहे सांसें उनकी मर्जी की हो या मर्जी के खिलाफ फॉर हिम द एंड इज नोवेयर इनसाइड दिस इज राधिका तलवार फॉर न्यूज़ टाइम 4 धुंधली धुंधली शाम हुई अब तो वापस आ जाओ के इस समय तो परिंदे भी लौट आते हैं के
You're back. टीवी पर न्यूज देखी होगी और भाग के चली आई ड्यूटी पर. Just can't live without the vegetable. Of course I can't live without you. Whoa, you're a mess. So are you. कितनी खुश हो क्योंकि मैं अपना केस हार गया. मैं केस जीत गई. डिवोर्स मिल गया है. आई एम फ्री नाउ. Oh, congratulations. Mr. Mascarenhas, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने में आपकी मदद कर सकती हूँ. I can help you. Euthanasia. Sophia. I really mean it, sir. Don't doubt me. सोच समझ के बोल रही हूँ. आपकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है. Everything, honestly. जेल हो सकती है सोफिया. 2 साल 10 साल 20 साल 40 साल कुछ भी. आपकी इस उम्र कैद के सामने बहुत छोटी है वो सजा. इतना प्यार करती है मुझे. Will you marry me, Sophia? I mean, now that you're free and all, you know. जाने से पहले मैं भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूँ. Say yes, Sophia. ये मौका फिर नहीं मिलेगा. हाँ कर दो. हाँ कर दो, Sophia. Oh, Mr. Mascarenhas. Ethan. I think you can call me Ethan now. Then you can. You can call me Mrs. Mascarenhas now. Whoa. Well, now that's a love story. Mrs. Mascarenhas. Death do us part. सालों बाद मैं इतने को इतना खुश देखा. अच्छा, इट इज हिज फेवरेट पार्टी. इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए थैंक यू ऑल. मेरी फैमिली और मेरे गिने चुने दोस्त. फ्यू एज यू आर, योर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड. बर्थडे तो सभी सेलिब्रेट करते हैं, पर अपनी जिंदगी का आखिरी दिन सेलिब्रेट करना, दैट्स व्हाट आई कॉल ए पार्टी. अब इससे ज्यादा मैं और क्या मांगता कि आखिरी डिनर तुम सब जोकरों के साथ. Like you, Devyani. Devyani Datta, ladies and gentlemen. Let me tell you all a secret about Devyani. Devyani, जब भी मुझसे मिलने आई, सिर्फ एक ख्वाहिश लेकर आई, और वो ख्वाहिश थी मेरे साथ सोने की. What rubbish! Oh, come on, face the truth, Devyani. आज तक जब भी तुम मुझसे मिलने आई हो, एक बार भी कुर्सी पर बैठी हो. हमेशा किसी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मेरे साथ बिस्तर पर लेट जाती थी. Isn't that right now? Isn't that right? Smile, Devyani. Stop it.
देवयानी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम इंडिया की सबसे वर्स्ट लॉयर हो और दुनिया की सबसे बेस्ट दोस्त, सबसे बेस्ट. So a big hand for Devyani Datta, ladies and gentlemen. And of course, the once used to be so handsome Dr. Nayak. Now, as the years passed, मैंने उसके बालों का रंग बदलते देखा है. From jet black to silver gray to snow white now. Sorry, Doc. पर मैं तुम्हारे गंजे होने तक का इंतजार नहीं कर पाऊंगा. Hey, Doc. मैं जानता हूं कि तुम मेरे फैसले से फुली अग्री नहीं करते हो. But I want to thank you, Doc, यहां पर आने के लिए और for celebrating with us. Omar Siddiqui. Sir. The second best magician in the world. For the next 24 hours, he will be the best magician in the world. And today night, I'm going to give you my khitab. Tonight, I knight you, Merlin. And of course, there's Rosie and Maria, my sweethearts. ऐसी caretakers जिन्हें खुद पांच caretakers की जरूरत पड़ती है. 14 साल से, I swear, 14 साल से एक भी काम ठीक से नहीं किया. पर 14 साल से हर रोज without fail altar पर मेरे लिए candle जलाती रही, pray करती रही कि मैं ठीक हो जाऊं. गॉड ने उनकी नहीं सुनी. बट गर्ल्स, प्रॉमिस मी दैट यू वोंट स्टॉप बिलीविंग इन गॉड. ओह, इट्स सच अ हैप्पी रूम फुल ऑफ हैप्पी फेसेस. पर अब भी सबके चेहरे पर मैं एक सवाल देख रहा हूं कि मैं इतना खुश हूं तो जाने की क्या जरूरत है. मैं खुश हूं क्योंकि कल मेरी सफरिंग का आखिरी दिन था. एंड आई एम गोइंग अ हैप्पी मैन. एंड नाउ सबसे कीमती चीज जो मेरे पास बची है, मेरा नाम. तो वो मैंने सोफिया के हवाले कर दिया है. Last night, in a serious lapse of judgment, she jumped off the cliff without a parachute and agreed to be my wife. Congratulations, Sophia. Jitni ajeeb Sophia, utni ajeeb uski wedding. Na safed dress, na chare par veil, na bridesmaids, na best man, na rings, na rituals, na pool, na priest, na church, but the best love story in the world. Kuchhi pal ke liye sahi, but we are man and wife. Aur kal Sophia apni pehli aur aakhri duty puri karegi as my wife. She is gonna show me her sexy legs. For all you people who fought along with me, I thank you all. Sivai tumhare, Sophia. Kyunki jo tumne mere liye kiya hai aur jo tum mere liye karne ja rahi ho, uske liye thank you is just not enough. Walk to me, Sophia.
बिना हाथ में ट्रे या न्यूज़पेपर या सूप या दवाइयों के साथ। आसान वॉक नहीं है ये 12 कदम उन 12 सालों के लिए। टुडे वॉक टू मी एज माय वाइफ, एज द लव ऑफ माय लाइफ। Tuzo mug magadiga, magadiga. Maza muga, tuzo mug magadiga. Di muga mug, tuzo mug magadiga. Mazo saiba. Now, before the curtains come down, this is Ethan Mascarenhas signing off and setting off on a safe and happy journey. So good night, guys. Alvida and Shabba Khair. Ayayo, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ayayo, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ya ya maya yo, ya ya maya yo, aya yo maya yo, ya ya maya yo, ya ya maya yo, ya ya maya yo, aya yo maya yo, ya ya maya yo, ya ya maya yo, ya ya maya yo, aya yo maya yo, ya ya maya yo. लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, पर दिल से जियो तो बहुत है। सो गो ऑन, ब्रेक द रूल्स, फॉरगिव क्विकली, लव ट्रूली एंड नेवर रिग्रेट एनीथिंग दैट मेड यू स्माइल। थोड़ी सी मीठी है सरा सी मिर्ची है, 100 ग्राम जिंदगी, 100 ग्राम जिंदगी, ये संभाल के है। थोड़ी सी मीठी है जरा सी मिर्ची। Life is good, life's wonderful, yeah, life's a game. Good. Life is wonderful, yeah. Life's a pain, it's all part of the game. Khari hai, khoti hai, rone छोटी है, धागे से खुशियों को सिलती है दर्जी है।
संभाल के खर्ची है।